नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको यहाँ बताएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले हम कोई सिंपल लेते हैं, मान लेते हैं क्लोरीन लिखा हुआ है। क्लोरीन का यह एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर और इस साइड आप इसे रखते हैं, यह इसका मास नंबर होता है। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये हो गए एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट करते हैं और ये हो गया मास नंबर, इसको ए से डिनोट करते हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हम बात इलेक्ट्रॉन की नहीं करें, इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई होता है, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैपिटल ई से डिनोट कर दिया। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का सिंबल पी होता है, स्मॉल पी होता है, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको भी हमने कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल एन होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, इसको भी हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले समझना है एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मीन्स किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटॉन्स की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वह एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। और अभी हमने आपसे बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे या आपका यहाँ एक क्वेश्चन होगा कि जब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है तो हम एटॉमिक नंबर के लिए प्रोटॉन को ही क्यों प्रीफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रीफर क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हमने भी कहा प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। यदि किसी में 15 प्रोटॉन हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 15 हो जाएगा, और जिसमें 15 प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन भी तो 15 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज में। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन की ही संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कह रहे हैं। में उसका रीजन है कि किसी एलिमेंट के एटम पर प्रोटॉन की संख्या फिक्स्ड है, डिसाइड है, वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो गेन करने पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसमें 1 ऐड हो गया और ये बन गया 16 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन क्या है, कांस्टेंट। कभी क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। मान लेते इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें बचे 14 इलेक्ट्रॉन्स, और लेकिन अभी भी क्या है, प्रोटॉन फिक्स्ड बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन की नंबर चेंज होती रहती है, यही कारण है कि किसी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर के लिए हम प्रोटॉन को ही प्रीफर करते हैं। अब आपने यहाँ पर ये देख लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं,
लेकिन आपने ये भी कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते प्रोटॉन और यहाँ पर लिखते इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अभी आप ये भी कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो यदि एटॉमिक नंबर है तो यह प्रोटॉन नंबर इक्वल हो गया जेड। लेकिन इस समय हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर को तीनों को इक्वल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल है। यदि न्यूट्रल ना होगी तो फिर केवल प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल रहेंगे और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे। अब बात आती है किसी के मास नंबर की। हमें पता करना है एटॉमिक मास या मास नंबर की जानकारी करनी है। तो सोचने वाली बात है, कोई भी यदि हम वस्तु लेते हैं उस वस्तु को हम सेंटर में मेजर कर लें तो सेंटर से उसका मास मेजर किया जा सकता है इजीली। हम इसको सेंटर से इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें इसका मास यहाँ से मेजर करें तो देखिएगा ये ऐसे हो गया। इसका अर्थ ये है कि जब किसी वस्तु का मास सेंटर से मेजर किया जा सकता है, उसी तरह किसी एलिमेंट का भी एटॉमिक मास सेंटर अर्थात न्यूक्लियस से किया जा सकता है। अब हम सोचेंगे, हमें मालूम हो गया कि एटम का मास न्यूक्लियस से पता किया जाएगा, एटम का मास सेंटर से पता किया जाएगा, और यदि मैं आपसे पूछूं कि सेंटर में होते क्या क्या हैं तो आपका जवाब मिलेगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर। अब आप कहेंगे कि उस मास में क्या इलेक्ट्रॉन का भी मास इंक्लूड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि जिसे आप नेगलेक्ट कर देते हैं, और आप यदि इलेक्ट्रॉन के मास को भी इंक्लूड करते हैं तो फिर वो नाम बदल जाता है, उसे आप एटॉमिक वेट कहते हैं। जबकि हम यहाँ पर मास नंबर या एटॉमिक मास कह रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की बात की है और इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर दिया है। तो दोस्तों, आपने ये फार्मूला पढ़ लिया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर जिस समय न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो इक्वल होते हैं। इसको याद करने का तरीका हम बता दें, आप इसका प्रोनंसिएशन करिएगा पेच, अर्थात एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि आपको याद रखना है तो आप क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे। अब मैं थोड़ा सा मास नंबर की बात करता हूं। जी हाँ, हमने आपसे भी बताया कि किसी भी एलिमेंट का मास कहाँ पर है, सेंटर में है, और आप कहते हैं सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास या मास नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब ये बन गया ए इक्वल पी प्लस एन। यदि हम दोनों फार्मूला को एक साथ पढ़ें तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसी के भी कैलकुलेशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैसे ध्यान रखेंगे। आप इसे कहेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप कहते हैं आपन पेज। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ आपन पेज पढ़ना, आपन का मतलब होता है अपना, आपन पेज आपको पढ़ना है, और आपन पेज से आप क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन को इजीली कर लेंगे। और मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स दे रहा हूँ। 17Cl35 में हमें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर सारी जानकारी करनी है। हमने आपसे भी बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, जेड, एटॉमिक नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, ए, मास नंबर।
लेकिन अब बचा क्या, दो चीजें तो हमको यहीं से मिल गई, बाकी बचा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो इस स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपन पेज पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, आपन पेज। तो हमने क्या किया, आपन, और इस साइड दोनों फार्मूले एक साथ लिख देना है और ये लिख दिया हमने आपन पेज। इन इस फार्मूला और इस फार्मूला में से या इस फार्मूला में आपको कोई ना कोई बात जरूर मालूम होगी, या तो ये मालूम होगा, या तो ये मालूम होगा और या तो ये मालूम होगा। इनमें से जो कुछ भी पता है आप सबसे पहले उसे पुटअप कर दीजिए। आपको देखिए क्या पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो आपने एटॉमिक नंबर के नीचे लिख दिया 17। जब हमें मालूम है कि यह स्पीसीज न्यूट्रल है तो उस समय जब यह 17 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो गए 17। यानी इस स्पीसीज में आपने तीन चीजें पता कर लिया, एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 17 होंगे। अब बात आती है इसका मास नंबर कितना है या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, ये पता करना। मास नंबर आपको दिया है, ये आपने यहाँ पर रख दिया 35 इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको यहाँ से मिल गए हैं तो आपने यहाँ पर रख दिया 17 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता करना है तो n इक्वल हो गया 35 माइनस 17 मीन्स 18। अब लास्ट में आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल 17, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल 18, एटॉमिक मास या मास नंबर कितना है 35। अब मैं न्यूट्रल स्पीसीज के अलावा कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 16s-2 और यहाँ पर आपने लिखा 32। इसका अर्थ यह है कि ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर और ये हो गया मास नंबर। हमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, आपन पेज। तो आपने यहाँ पर लिख दिया ए इक्वल पी प्लस एन और दूसरा फार्मूला है, एक साथ अप्लाई करना है दोनों फार्मूला को और ये लिख दिया जेड। इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको पता होगी, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जेड कितना है 16 है, आपने यहाँ लिख दिया 16 और आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर 16 है तो ये क्या होगा, ये भी 16 होगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। हमने आपसे बताया था इलेक्ट्रॉन की नंबर का कोई भरोसा नहीं है, वैसे देखा जाए तो इस समय इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16 होंगे जब यह न्यूट्रल होगा, लेकिन इस समय यह स्पीसीज जो आपको दी गई है वो न्यूट्रल नहीं है, इस पर -2 चार्ज लगा हुआ है। तो जब किसी स्पीसीज पर -2 यूनिट चार्ज रखा होता है तो इसका मतलब है आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिखेंगे। तो जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और एटम -2 लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर रखा है। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रखा है तो 16 तो इसमें पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इसमें आंसर देखेंगे, 16 ये हो गया, 16 ये हो गया और इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिले, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करना है तो हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि इसका मास नंबर दिया हुआ है 32 इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको यहाँ से मिल गए तो आपने रख दिया 16 प्लस एन और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाएगा 32 माइनस 16 और ये आ जाएगा 16। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, 20 Ca, यहाँ पर मैंने लिख दिया 40 और ये लिख दिया +2। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया आपका एटॉमिक नंबर और ये हो गया मास नंबर। हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये पता करने हैं तो कोई भी ऐसा कैलकुलेशन तो उसके लिए आपका फार्मूला है आपन पेज। तो आप लिखेंगे ए इक्वल
पी प्लस एन और इस साइड क्या आ गया पी इक्वल ई इक्वल जेड, जिसमें से आप देखेंगे कोई ना कोई चीज तो पता है, जेड आपको पता है तो जेड आपने लिखा 20। आपको ये भी पता है एटॉमिक नंबर कहाँ से आता है, प्रोटॉन से आता है, तो जब एटॉमिक नंबर 20 है तो निश्चित है कि प्रोटॉन भी क्या होंगे 20, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का तो भरोसा है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करते हैं, इस समय यदि यह न्यूट्रल होता तो अभी इसमें कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया है, इस पर लिखा हुआ है प्लस टू चार्ज, इसका अर्थ ये हुआ जिस स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है इसका मतलब है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने अपने से लूज कर दिए हैं, इस स्पीसीज ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो इस पर बचेंगे कितने, हमने दो यहाँ अलग कर दिया, अब मिले आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 20 हो गए, एटॉमिक नंबर 20 हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए। अब बात आती है हमें न्यूट्रॉन पता करना है, देखिए ए आपको यहाँ पता है, मास नंबर आपने रख दिया 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको यहाँ से मिल गए तो ये आपने रख दिया 20 और ये आपने रख दिया एन, तो एन इक्वल कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल कितना गया